किसी सवालों में मेरा भी नाम हो जाए, नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए जो जिंदगी। आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम, RH9 न्यूज में आपका खैर मकदम है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर तला अल कसेरी ने वाटर वर्क से रुजू होकर काम करवाए और उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे हबीब की ये खबर। पार्लियामेंट हैदराबाद वसतरकुलिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब MLA फ्लोर लीडर तेलंगाना असेंबली की हिदायत पर हर्दिल अजीज कॉर्पोरेटर अब्दुल वहाब साहब हफीज पटेल साहब रहमान शाह साहब की राजनीतिक निगरानी में आज हम GM सुब्बा नायडू साहब के पास जो रियासत नगर में ऑफिस हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स की, पिछले एक महीने से इन्होंने नए ऑफिसर यहाँ पर अपॉइंट हुए। हम पिछले 2 माह से DGM वाटर वर्क्स, AE वाटर वर्क्स और आपके आसमानगढ़ पे रेणुका मैडम रहते हैं उनको मुसलसिल बारकस की, बाबू स्प्रिंग, डॉक्टर जाकिर अली बेग के दवाखाने पास की बोरिंग के लिए मुसलसिल जो है उनको जो है कंप्लेन करते रहे। उन्होंने रोज़ाना तहखुन दिया कि कल आते आ जाते, कल आते आते नहीं आए। उसके बाद कल रात में रेणुका मैडम एक अंसारी बोलकर कॉन्ट्रैक्टर को फ़ोन करके मेरे को फ़ोन कराए और वो कॉन्ट्रैक्टर साहब ने कहा कि साहब कल मैं बारकस को आ रहा हूँ, जाकिर अली बेग की बोरिंग को बना के जाने का है मुझे। मैं बोला आप कब तक आ रहे हैं सर, तो उन अंसारी साहब ने कहा कि मैं 10 से 11 बजे तक आ रहा हूँ। मुसलसिल 10 11 12 बजे तक मैंने उनको फ़ोन किया, 11:30 बजे उन्होंने 12 बजे उन्होंने फ़ोन लिफ्ट करके कहा कि मैं तो निकल रहा था साहब, GM को आके बोलो GM साहब रोक रहे, तब हम, क्योंकि ये GM साहब को भी हमने फ़ोन किया था, GM साहब फ़ोन नहीं उठाए। हम यहाँ पे आए तो GM साहब ने हमसे कहा कि मैं आपको बोरवेल वाटर से बढ़ के आपको वाटर की लाइन भी चालू करता हूँ बोल के बोले, मैं कुछ भी होने दो मैं वो एरिया में पानी भी दूंगा बोल के बोले, जो नल से आ रहा और अच्छा प्रेशर से दूंगा बोले, और बोरिंग का काम आज ही कराता हूँ बोल के बोले। पहले जो है नाराज़ हो गए थे, नाराज़ हो गए तो हमने कहा कि GM साहब आप हमें जेल भिजाइए, मार दीजिए, हम घबराने वाले नहीं हैं, या आज काम करा के जाएंगे या फिर आपकी ऑफिस से आपको जाने नहीं दी गए। तभी GM साहब ने इमीडिएट तब अच्छा रिस्पॉन्ड दिया। उसके बाद अंसारी साहब कॉन्ट्रैक्टर को बुलाया और उनसे कहा कि आज ही जाके ये बोरवेल का काम कराओ बोल के, जिसके लिए हम, क्योंकि आवाम बहुत परेशान हुआ, हमारे सालम भाई बाकुमान और जो है हमारे अब भाई वहाँ की पूरे आवाम जो है हबीब मसूद भाई हमारे पूरे लोग बहुत परेशान है, जिसके लिए हम आज लास्ट टाइम उनको आके बोलने पर हमारे GM साहब ने, अब उन्होंने जो है पहले बहुत गड़बड़ हुई, हमने कहा मरवा दो हमारे को, हम डरने वाले नहीं है, लेकिन हम हमारी बस्ती का, हमारे चंदन कुट्टे का, हमारे MLA को डैमेज होने नहीं देंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका काम करेंगे बोले। बात अब ये मंजूरी मिली, अब काम हो रहा है, जिसके लिए हम तहे दिल से हमारे हर्दिल अजीज MP साहब का, MLA साहब का, अब्दुल वहाब भाई का, हाफिज़ पटेल भाई का, रहमान शाह भाई, अभी GM साहब के पास हूँ मैं, कंप्लेन बोले अभी मोटर का, अभी शाम तक जो है ना उसको वेरीफाई करके ख़त्म कर देंगे सर, ऐसा भी करे कर देता हूँ। मेरे में कंप्लेंट आया, मेरे को 2 महीने से कंप्लेंट नहीं आया। नहीं, आपके ऑफिसर को दिए सर ट्रैक्टर, मेरे को ये एरिया GM हूँ मैं बारकस से कंप्लेंट आया रिगार्डिंग बोरवेल अभी मेरे को मालूम हो गया, हमारे ऑफिसर को बोलिए, कॉन्ट्रैक्टर को बोलिए, काम आज हो जाता। तो नाजरीन, मैं मोहम्मद आजम, इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज़ RH9 न्यूज़ के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज।